Assalamu alaikum guys, welcome back to another vlog of Madina and Faizan. Assalamu alaikum, kaise hain aap log, sab theek thaak hain? Aaj Madina tum kya seekh rahi ho? Aaj ammi batayengi mujhe kya sikha rahe hain. Ammi kya sikha rahe hain aaj Madina ko? Hai kadai keema. Kadai keema, Peshawari style kadai keema hai with aloo. To sabse pehle humne oil ghee ko jo hai garam kar liya hai acche se, aur isme jo hai na hum dal rahe hain pyaaz. Pyaaz brown karne ke liye. Bilkul. तकरीबन चार प्याज ब्राउन हो गया. ये मास्टर शेफ प्याज ब्राउन करते हुए अब नेक्स्ट चीज जो हम इसमें डाल रहे हैं गाइस वो है मदीना. नेक्स्ट में कीमा डाल रहे हैं. कीमा बीफ कीमा. बीफ कीमा असल में बीफ कीमा होता है, चिकन कीमा तो बच्चे खाते हैं आप जैसे. नहीं बताना पड़ता ना, बीफ कीमा है चिकन कीमा है. ये मास्टर से लग रहा है भूनो फाइन कर रहे हैं. ये बताओ कि हमने इसमें मदीना एक और चीज, ये बताओ कि हमने इसमें लहसुन अदरक पहले क्यों नहीं डाला? पता नहीं ताकि कीमे का पानी पहले खुश्क हो जाए, स्मेल स्मेल सब निकल जाए, फिर लहसुन डालेंगे. कीमे में थोड़ा सा एक पानी इसका हल्का सा मॉइस्चर होता है, वो निकल जाए तो स्मेल नहीं आती, हीक नहीं आती आपके खाने में. तो बोलते हैं ना कीमे बीफ में हीक आती है, तो ऐसे खत्म होती है. कूल यार. अब इसमें जो नेक्स्ट हम चीज डाल रहे हैं वो है जीरा. जीरा ऐड किया भी हमने इसमें, फिर और उसको अच्छे से जीरा डाल के फिर उसको अच्छे से चलाना है. मिक्सिंग. अब डालेंगे लहसुन. नेक्स्ट चीज जो इसमें डाल रहे हैं वो, अब देखो पानी ड्राई हो गया ना सारा. अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक. अब अपने हाथ रखा. लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डालता है जब तुम मटन या बीफ बनाते हैं कि ताकि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए. इसलिए और लहसुन अदरक डालने के बाद इसको अच्छे से भूनते रहना है. दिखा दे कैसा लग रहा है कीमा हमारा. अच्छा लग रहा है, ढाबा स्टाइल कीमा. तो नेक्स्ट में हम डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें. इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे इस रेसिपी में, क्योंकि ये फिर ओरिजिनल फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा मीट का. बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने इसमें, ये सारे जहाँ जो नॉर्मली चीज़ों में डालते हैं सालन में डालते हैं. नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं इसमें नमक. नमक ऐड कर रहे हैं हम. अब नेक्स्ट डाल रहे हैं हम चिकन पाउडर. चिकन पाउडर एक सीक्रेट है, अगर आप लोगों की मर्जी. आप सीक्रेट रेसिपी है ये, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये. बढ़िया, आपने कुकिंग पे भी ध्यान देना है, फिर ब्लॉगिंग भी नहीं देना. कैसा लग रहा है अभी बताओ? फिर आप बोलते हैं वीडियो सही नहीं बनाई. मम्मी क्या कर रही हैं? ये यहाँ पे जो है टमाटर जो है वो रेडी हो रहे हैं, हरी मिर्चें हैं, आलू हैं और बड़ी वाली बड़ी वाली मिर्चें, ये थोड़ी नज़र आएंगी ताकि. तो ये इसमें भी ऐड होंगी सारी चीज़ें. तो अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें टमाटर. टमाटर ऐड हो गए हैं गाइस. टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे. इतना भूनेंगे कि टमाटर जो है अपना जूस छोड़ दें, गल जाए. कैसा लग रहा है मदीना लुक में?
अच्छा लग रहा है ना। और अब इसको थोड़ी देर ताकि टमाटर में जूस छोड़ दे, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हेलो गाइस, वी आर बैक और 10 मिनट हो गए। मैं हटाऊं ढकना? ओए होए 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 होए, इसके ऊपर हो गया। 10 मिनट बाद जो इसकी शक्ल आई है ना, बहुत ही मजेदार यार, क्या शक्ल आई इसकी। और बताऊं, ये इस टाइम पे ये कीमा रेडी हो चुका है और ये अभी इस टाइम पे भी बहुत मजे का होता है। इसकी जो स्मेल आ रही है, कोई मसाला नहीं है इसमें अभी तक, सिर्फ नमक, इसमें थोड़ा सा ना लहसुन डालेंगे, तला हुआ लहसुन। अच्छा, हल्का सा तला हुआ लहसुन डालना है इसमें, उससे दिखाएं कैसा होता है। क्या ये वीडियो ऑन नहीं की वाली? नहीं, अभी कोई डाला नहीं है। खैर, अब डालने आलू। नेक्स्ट इसमें चीज डाल लेना, हम वो ऐड कर रहे हैं छोटे छोटे क्यूब्स में आलू। आलू डालने के बाद हम इसको पकड़ेंगे, पकड़ के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से शॉट सही आ रहा है? ऊपर से शॉट सही आ रहा है। आप जो है सीखने पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये तुम भी कब बना के खिलाओगी? अब ये वीडियो आ गई ना, नेक्स्ट अब वीडियो आ गई ना, सबसे पहले कीमा बनाएंगे। सबसे पहले कीमा बना के पता है सीखने का सही तरीका क्या, आप कम बनाए, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बनाए। कुछ खराब भी हो जाएगा तो ये नहीं होगा कि इतने साइज की खराब हो गई। बिल्कुल सही बात है। हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं इसमें। रुक दो। अच्छा, तो अब हम रुको, वीडियो ऑन किया अभी तुमने? ऑन है। चल, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? पानी थोड़ा सा, तो पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स। और इसके बाद ना इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का करके, थोड़ी देर इसको बिल्कुल हल्का चूल्हा करके इसको ढक के रख देना है ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो हमें अब इसका ढक्कन ऊपर करें। तो हमें अब इसका ढक्कन ऊपर करते हैं और देखें कैसा बना, क्या लुक आया है। ओहो ओहो, नाइस। खुशबू कितनी मजे की आ रही है ना, अरोमा आ रहा है। कलर भी और आलू अच्छे से गल गए। क्या डाली अम्मी? अब ने अम्मी क्या डाली आप? आलू गल गए। आलू दिखा रहे हैं। हाँ, गल गए आलू। हरा धनिया और बड़ी वाली। अभी डालने के बाद इसको मिक्स करना अम्मी, इसको हल्का सा हमें मिक्स करना है गाइस। मिक्सिंग तो फैजान की फेवरेट है ना। हरा धनिया, हरी मिर्च हमने अच्छे से मिक्स कर दी इसको, और हमने इसको थोड़ी सी अदरक, और ये थोड़ी सी अदरक। ओह, इसका भी फ्लेवर होता है, इसका भी टेस्ट होता है, खुशबू होती है, वो भी इसमें आ रही है। सही, ऊपर से थोड़ा सा नींबू, और थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया। नाइस फुल, ये तो ढाबे वाला कीमा लग रहा है। हाँ, है ना, जैसे कोई ढाबे का कीमा नहीं होता वो लग रहा है ना। Nice. नींबू जो डाले ना मम्मी ने, कैसा लग रहा है? Very yummy. फुल क्लोज अप कर दो इसका, फुल क्लोज अप। अच्छा लग रहा है? थोड़ा टेस्ट करना है? अभी किया था टेस्ट। टेस्ट किया तुमने, कैसा है? Very yummy. आप करें तो चलाना है इसको, आप करके जरा रिव्यू दें। तो चम्मच चाहिए होगा, मैं देखा छोटा चम्मच, और इसको हम वो भी छोटा चम्मच ले लेते हैं, और इसको हम टेस्ट करते हैं कीमे को, फिर हम इसका आपको रिव्यू देंगे। वेरी यम्मी, फुल हाईवे स्टाइल होटल होते हैं ना ये, इधर ढाबे वो वाला फ्लेवर। बहुत मजे का, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया,
तो ऑलमोस्ट क्या फुल रेडी हो गया, फुल रेडी हो गया। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना मी। बस इसको गरम गरम आप खाएं नान के साथ, चपाती के साथ, जो इस चीज़ के साथ भी आपको खाना है। चूल्हा अब हमने बंद कर दिया, इसका मम्मी ने कहा है, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। एक बार इसका फाइनल लुक दिखा दो, फिर हम इसको ढक देंगे, ठीक है। वेरी नाइस।